2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आरएलडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ना चाहती थी और बीजेपी को हराने के लिए तीनों दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया था और उसके बाद सीटों का ऐलान भी हो गया था। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी, जिसको आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी स्वीकार किया था और दोनों को 19 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास पर बैठक हुई थी और सीटों के ऐलान पर दोनों की सहमति हुई थी और संतुष्टि भी बन गई थी। कांग्रेस को भी 11 सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि कांग्रेस गठबंधन में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अब खबर आ रही है आरएलडी को जिन 7 सीटों को समाजवादी पार्टी ने दिया था उनमें 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की बात आरएलडी से कर रही थी, जो सिंबल चुकी आरएलडी का होता है और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के होते। लेकिन सबसे बड़ा पेज जो इस विवाद में फंसता जा रहा है वो मुजफ्फरनगर सीट को लेकर के है। आरएलडी उस पर अपना प्रत्याशी और अपना सिंबल भी चाहती है। अखिलेश यादव, हरेंद्र मलिक जो छोड़ करके आरएलडी आए हैं, उनको टिकट चूँकि कांग्रेस में भी पहले थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे, उनको अखिलेश यादव चुनाव लड़ाना चाहते हैं मुजफ्फरनगर से, लेकिन जयंत इसके लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव उस सीट पे खास तौर पे मुजफ्फरनगर के साथ साथ बिजनौर और जो मेरठ की एक कैराना सीट लोकसभा सीट है उस पे अपने प्रत्याशी के कैंडिडेट देने की बात की थी। इसके अलावा अमरोहा सीट पे भी अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतारने की बात की थी, लेकिन सिंबल आरएलडी का होगा, इसको लेकर के आरएलडी नाराज है। आरएलडी अब बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में है, उसके नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है और आरएलडी और बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत भी चल रही है। खबर ये आ रही है आरएलडी 4 से 5 सीटें बीजेपी से मांग रही है, बीजेपी 3 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है। आरएलडी के नेताओं का मानना है कि अब जो गठबंधन है, चूंकि देश में जो स्थिति है, मौजूदा हाल है, वो बीजेपी के पक्ष में है। अगर बीजेपी से गठबंधन होता है तो आरएलडी की जो सीटें मिलेगी उस पर उसको विजय हासिल हो सकती है, आरएलडी के नेताओं का मानना है। और सपा के साथ अगर रहेंगे तो उनका नुकसान होगा, चूँकि जो सीटें अखिलेश यादव दी है उस पर भी अपने कैंडिडेट उतारने की बात की है। दूसरी तरफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जिससे आरएलडी जिन सीटों को लेकर के वो अपनी मान रही है उस पर सपा के उम्मीदवार होंगे, सपा के नेता चुनाव लड़ेंगे, इससे बार बार आरएलडी असहज है और नाराज बताई जा रही है। अब आरएलडी दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है, यूपी आरएलडी के कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज सदन में भी आरएलडी को के विधानमंडल दल को बोलना था, जो नेता होते हैं सदन में जब राज्यपाल का अभिभाषण था तब भी नहीं, कोई भी नेता बोलने के लिए उस समय मौजूद नहीं था, यानी पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोलने से आरएलडी के नेता बच रहे हैं और कोई भी प्रवक्ता का भी बयान इस मुद्दे पे नहीं आ रहा है। लेकिन इसके पीछे जो आरएलडी के नेता बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन में जाने से आरएलडी का फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, एमएलसी को लेकर के भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा अगर सेंट्रल में 2024 में मोदी सरकार आ रही है तो मंत्री पद को लेकर के भी बातचीत चल रही है, यानी वहाँ भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे और जो सीटें बीजेपी उनको देगी, 3 से 5 सीटें जो भी आरएलडी गठबंधन एनडीए गठबंधन में सीटें मिलेंगी उस पर आरएलडी के नेताओं का मानना है कि जीत होगी, क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो या अन्य कई राज्यों से खबर आ रही है, जो एनडीए से दूर हो गए थे, अलग हो गए थे, अब फिर से वो एनडीए में आ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में अब आरएलडी भी बीजेपी के बड़े नेताओं से के टच में है। दिल्ली में मुलाकात के बाद अब ये खबर निकल करके आई है कि जल्दी ही इंडिया से अलग होकर के एनडीए में जयंत चौधरी यानी राष्ट्रीय लोकदल शामिल हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात और है, आरएलडी के जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, उनके बाबा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी लगातार मांग हो रही है। किसानों जो नेता थे वो आरएलडी मांग कर रही है, शायद इस मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके जरिए बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक साध सकती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर आरएलडी एनडीए में नहीं आएगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी के बड़े नेता लगातार आरएलडी के नेताओं के टच में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के हिस्सा बने, इंडिया से अलग होकर के, और बीजेपी जो उसका आज उत्तर प्रदेश में 80 का लक्ष्य है लोकसभा सीटों जीतने का, वो पूरा हो, इसको लेकर के बीजेपी ऐसी सारी कोशिश कर रही है जिससे जो उसका लक्ष्य है 80 सीट की जीतने का वो जीता जा सके। फिलहाल अखिलेश यादव को बड़ा झटका है, हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने विधानसभा में आज बजट सत्र में जब हिस्सा लेने आ रहे थे तो उन्होंने कहा जयंत चौधरी बड़े राजनेता हैं, राजनीति
व्यक्तिगत हैं उनको राजनीति आती है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई कमज़ोर नहीं होने देंगे, वो हमारे साथ हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी यही बात की कि जैन किसानों की लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी आरएलडी के खिलाफ बोलने से बच रही है, आरएलडी जैन चौधरी के साथ बयान दे रहे हैं, लेकिन आरएलडी का कोई भी नेता इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।